अरे महादेव दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम ये अपनी सीरीज कर रहे थे क्वेश्चंस की, तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो कुछ दिन मैं वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन अब डेली ही एक वीडियो आपको मिलेगी। और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ रीड्स। रीड्स कितने प्रकार की होती हैं और उनमें क्या क्या आता है, ये सब आपको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले रिट होती क्या है? रिट जो है ये एक रिटर्न ऑर्डर इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, पर्पस क्या होता है रिट रिट जारी करने का? तो जो रिट है, रिट सर्व्स एज कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन टू एड्रेस वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। यानी अगर किसी के फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होते हैं तो वो रिट इश्यू करवा सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेलेबल थ्रू सुप्रीम कोर्ट, वाइल आर्टिकल 226 एम्पावर हाई कोर्ट टू इश्यू रिट। ये बताया गया कि आर्टिकल 32 जो है इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है, और जो आर्टिकल 226 है इसके थ्रू हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट। और 1950 से पहले जो हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से सिर्फ यही रिट इशू कर सकते थे, लेकिन उस 1950 के बाद सब सब हाई कोर्ट कर सकते हैं रिट्स को इशू। और रिट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डर फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट। ये हमने जान लिया है। ये देखिए, अब आपको ये बताना चाहिए कि रिट्स होती कितने प्रकार की। ये रिट्स होती हैं 5 प्रकार। और ये कौन कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, टर्शियरी, क्यू वारंटो। तो आपको सबसे पहले तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे हैबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसमें जैसे ये बताते हैं कि अगर किसी को भी मतलब कि पकड़ लिया जाए इलीगल तरीके से, तो हम उस पर ये रिट जारी कर सकते हैं कि टू हैव द बॉडी ऑफ, हैबियस कॉर्पस जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वीक माइंड। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो काम उसे करना चाहिए लेकिन वो उस काम को नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम ये रिट जारी कर सकते हैं। मान लो आप किसी ऑफिस में गए और आपने कुछ काम करवाना था, अपना आधार कार्ड बनाना, और जो तो गवर्नमेंट होती है वो मना कर रही है आप, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट है, तो आप ये मैंडमस जारी कर सकते हैं। प्रोविजन, इसका मतलब होता है टू वर्क विद। ये रिट जो है यानी कि जो जो डिक्शन होता है अपने एरिया, मतलब कि कोई भी जुडिक्शन वाला एरिया जो है वो अपने उसी एरिया में जो फैसले सोचते हैं, यदि वो अपने एरिया से बाहर वाले एरिया में मतलब कोई भी फैसला सुना रहा है तो उसके लिए प्रोहिबिशन रिट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च और रिट यानी कि टू बी सर्टिफाइड। इसमें इसमें ये जो होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद बहुत सारे केस आ गए, तो वो किसी केस को ऐसे पेंडिंग नहीं रख सकता कि इसको बाद में करेंगे, वो उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे। या फिर ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट को नहीं भेज दे सकता कि ये कोई भी केस आप हमें भेजिए। तो ये है नेक्स्ट है क्यू वारंट। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अथॉरिटी से आप ये काम करते हैं। जैसे मान लो किसी ऑफिस में कोई क्लर्क है, जैसे कि आप सब जानते हैं क्लर्क वगैरह सब काम जानते हैं, तो कल को कोई क्लर्क जो बड़े बड़े उसके हायर अथॉरिटी जैसे सुप्रिटेंडेंट या HS लेवल के किसी सीनियर वर्कर का काम कर रहा हो, जैसे कि मान लो कोई भी काम है जो नहीं हो रहा वो अपने साइन वगैरह कर रहा हो और ये अनुमति दे रहा हो कि ये काम हो जाए, तो उसके खिलाफ ये प्रूफ रेंट जारी कर सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो रेट्स हैं ये हमें फंडामेंटल राइट की अंडर ही आती है आर्टिकल 32 में।
आर्टिकल 32 के अंदर। लेकिन जो आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट का, ये अलग है। मतलब अगर मान लो किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो आर्टिकल 32 यूज कर सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं या कोई और काम कुछ खराबी हो रही है तो वो आर्टिकल 226 यूज कर सकता है, यानी कि वो हाई कोर्ट में जा सकता है। तो आप इससे देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट को है ये यहाँ पे ज़्यादा पावर है, जबकि सब ये जो आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट, इसमें सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट ही आपके वायलेट हो रहे हैं तभी आप आर्टिकल 32 की डेट जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 बिट्स थी और ये काफ़ी टफ टॉपिक है, तो मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप एक बार बुक से जरूर रेफर कीजिएगा और बुक में पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।